हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप लोग देख रहे हो मेरे चैनल अभिषेक ड्रीम बोर्ड। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे पबजी मोबाइल से लेकर एपेक्स लेजेंड, वर्जन मोबाइल, इन सारे गेम के बारे में कुछ अपडेट्स वगैरह जो है हमें मिला है, तो इसी के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। हालांकि मैं जानता हूँ कि थोड़ा लेट हो गया, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे न्यूज जो है आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, वो भी मोबाइल गेम के बारे में। तो आप वीडियो के साथ बने रहो, मैं करता हूँ वीडियो को फटाफट से स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पबजी मोबाइल न्यू स्टेट्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे पबजी जो न्यू स्टेट्स है उनका तरह तरह की जो है स्क्रीनशॉट आपको इंटरनेट के ऊपर देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि पबजी न्यू स्टेट जो है आप डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ पे कुछ फेक स्क्रीनशॉट आपको जो है दिखा रहा है। तो यहाँ पे बात ऐसा है कि अभी तक जो है ये गेम जो है लॉन्च नहीं हुआ है, और यहाँ पे आपको ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो ये एडिटेड स्क्रीनशॉट है। तो इस पे जो है आप लोग ध्यान मत दो, और जो भी आपको लिंक भेजा जा रहा है उस पे आप ध्यान मत दो। जब भी ये गेम आएगा आपको प्ले स्टोर के ऊपर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे पबजी न्यू स्टेट का कुछ डेट निकल के आया है कि इस तारीख को ये गेम जो है रिलीज हो सकता है। ये कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक लीक है जो आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे पबजी न्यू स्टेट्स का जो लीक है वो है 4 अप्रैल को बताया जा रहा है कि ये गेम जो है रिलीज हो सकता है। और इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं एपेक्स लेजेंड के बारे में। तो आप सबको पता है कि एपेक्स लेजेंड मोबाइल जो है डेवलपमेंट पे था बहुत दिन से, और आपको इसी साल के अंदर जो है एपेक्स लेजेंड जो है मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पे एपेक्स लेजेंड मोबाइल का सॉफ्ट लॉन्च जो है हो चुका है। यहाँ पे जो यूएसए कंट्री है और कुछ गिने चुने जो लोग हैं उनके लिए जो है ये सॉफ्ट लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे आपको जो है एपेक्स लेजेंड का ऑफिशियल वेबसाइट, ये का जो वेबसाइट है उसके अंदर जाना होता है, और उसके अंदर से आपको कुछ रजिस्टर वगैरह करना पड़ता है, और यहाँ पे रजिस्टर के लिए बहुत सारे जो है फॉर्म जो है आपको फिल करना पड़ता है, क्योंकि ये जो है गिने चुने लोगों के लिए है और सिलेक्टेड कंट्री के लिए। फिलहाल की यूएसए और कनाडा इसके अंदर शामिल था। तो अगर आप उसी लोकेशन पे रहते हो तो ही आप इस गेम को जो है खेल सकते हो। तो यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन जो है हो चुका है और सॉफ्ट लॉन्च भी जो है हो चुका है। तो यहाँ पे करीब करीब 1 घंटे के लिए प्लेयर को इस गेम को खेलने के लिए दिया गया था, और यहाँ पे आपको इसके बारे में कोई भी मतलब गेम प्ले वगैरह इंटरनेट के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक सॉफ्ट लॉन्च है और गिने चुने लोगों के लिए है, इसलिए ये जो है सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सुनने को ऐसा आ रहा है कि 3 से 4 महीने के अंदर आपको जो है इसका बीटा जो है आपको देखने को मिलेगा, और ये जो है सब लोग खेल सकता है। तो ये जो है एक बढ़िया न्यूज़ है कि बीटा जो है आपको 3-4 महीने के अंदर जो है देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे बात करें अगर इस गेम की नाम को, तो यहाँ पे इस गेम की नाम जो है बदल दिया गया है। यहाँ पे इस गेम का नाम एपेक्स लेजेंड मोबाइल नहीं होने वाला है, यहाँ पे इस गेम का नाम यहाँ पे रखा जाएगा एपेक्स हीरोज। तो यहाँ पे ये भी काफी अच्छा और शॉर्ट नाम यहाँ पे रखा गया है। तो आप बात कर लेते हैं इस गेम का रिलीज डेट के बारे में। यहाँ पे दोस्तों ये गेम जो है आपको जो है बताया गया है कि इस साल के लास्ट में यानी कि नवंबर या अक्टूबर के आसपास जो ये गेम लॉन्च होने वाला था, लेकिन यहाँ पे ये गेम आपको मिलने वाला है 2022 में, वो भी मिड तक यानी कि अप्रैल मई तक जो है आपको इंतजार करना पड़ेगा इस गेम को ऑफिशियली ग्लोबल लॉन्च होने के लिए। लेकिन आपको यहाँ पे बीटा जो है 3-4 महीने के अंदर आपको रिलीज होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो आप बात कर लेते हैं यहाँ पे वर्जन मोबाइल के बारे में। तो यहाँ पे ये जो वर्जन मोबाइल है ये बहुत दिन से सुनने को आ रहा है कि डेवलपमेंट पे है, लेकिन अभी भी इस गेम को जो है डेवलपमेंट पे देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे न्यूज ये आ रहा है कि 5 से 6 महीने के अंदर आपको इसका बीटा जो है देखने को मिलने वाला है। तो ये काफी एक बढ़िया बात है कि आपको 5 से 6 महीने के अंदर जो है इसका बीटा मिलने वाला है वारजोन का, और यहाँ पे 3 से 4 महीने के अंदर आपको एपेक्स लेजेंड का जो है मोबाइल वर्जन का बीटा जो है मिलने वाला है। तो मतलब दोनों गेम मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साथ जो है लॉन्च हो सकता है, या कोई गेम आगे लॉन्च हो जाए कोई गेम बाद में लॉन्च हो।
लेकिन दोनों गेम जो है आपको अगले साल तक जो है देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए वीडियो जो है यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना, और यहाँ पे ये जो सारे गेम आपको मैंने बताया इनके बारे में आप कुछ बोलना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। और आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाओ और यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर लो। तो चलो मिलते हैं एक नए वीडियो पे, नया वीडियो जो है बहुत जल्द आने वाला है। तो चलो यार, बाय बाय गाइस।